पूरी फैमिली ने मेरे को तैयार किया ये फेस्टिवल। दिस इज टाइम मैम शी इज ऑलरेडी मेरा ससुराल मेरा सोकल ससुराल लोकल फ्रिज बट कोई भी एनिमल से ऐसे घुस ही नहीं पाएगा ऊपर में। मॉर्निंग ऑल द हेयर। हाय गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज 29th August एंड अभी बज रहा है सुबह का 9 बज रहा है अभी। तो मैं कर रही हूँ थोड़ा सा लास्ट मिनट पैकिंग, सब कुछ है सामने में, आई जस्ट हैव टू पैक। और मैं जा रही हूँ पासीघाट टू मीट यांकी मैम एंड सेलिब्रेट सोलोंग फेस्टिवल। सो सोलोंग फेस्टिवल इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल जो अरुणाचल के आदि ट्राइब्स सेलिब्रेट करते हैं। तो अरुणाचल में यू हैव लॉट ऑफ ट्राइब्स, सम मेजर ट्राइब एंड सम सब ट्राइब्स। सो वन ऑफ द ट्राइब इज़ द आदि ट्राइब एंड यांकी मैम बिलोंग्स टू दैट ट्राइब। एक्चुअली मैं फेस्टिवल स्टार्ट है 1 सितंबर से, बट आई एम गोइंग टुडे और कल मैं जाऊंगी बस्ती, क्योंकि मुझे देखना था कि फेस्टिवल के पहले में क्या क्या प्रिपरेशन होता है, क्या क्या रिचुअल होता है। आई वॉन्टेड टू लर्न इट, एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ एंड ऑल्सो शो इट टू यू गाइस, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल में नहीं मिलेगा। इट्स लाइक मेरी पूरी फैमिली ने मेरे को तैयार किया ये फेस्टिवल में, मतलब जाने के लिए। लिटरली आई हैव गॉट लाइक द ट्रेडिशनल अटायर क्लोथिंग ऑफ आदि ट्राइब गिवन टू मी बाय माय मॉम एंड माय स्वीट मासी, लाइक द टॉप्स एंड एवरीथिंग। ट्रेडिशनल आदि क्या बोलूँ, ज्वेलरी एक्सेसरीज जो इनके साथ पहनना है, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेसरीज मेरे पापा को किसी ने गिफ्ट किया था। एंड कल रात को मेरे पापा बैग के इसको ट्रिम कर रहे हैं, इसको आयरन कर रहे हैं। हाउ स्वीट। सो इट्स लाइक द होल फैमिली हैज गॉटन टुगेदर एंड मेड मी रेडी। आई वॉन्ट टू शो यू गाइज दिस, दिस इज माई मासीज। इट्स लाइक क्या बोलो, इट्स लाइक गोज लाइक दिस, यू नो, स्मॉल knife over here which is sharp, and she has added this. I was like mongoose tail, pata nahi unko kahan se mila, so she's just put it. Mummy sending some small gift for uncle and auntie. This is for auntie, this t-shirt is for uncle, aur iske andar mein thoda earrings hai for ma'am, and these are some chocolates which I'm taking for the kids and ghar ka banana. अब मैं निकल रही हूँ, डैड इज गोइंग टू ड्रॉप मी बस। आई रीच्ड पासीघाट एंड थैंक मैम विल बी कमिंग टू पिक मी अप। एंड दिस इज थैंक मैम शी इज ऑलरेडी मैम हमको पिकअप करेगा बोले नहीं, हम डायरेक्ट मैम को पास आ गए। पासीघाट इज ऑल्सो द हेड क्वार्टर ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एंड अरुणाचल का सबसे ओल्डेस्ट पुराना टाउन इज पासीघाट। एंड दिस इज माई थर्ड ट्रिप ओवर हियर। आई लव पासीघाट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन प्लेन्स एंड आपको यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है और बहुत अच्छा से प्लानिंग करके बनाया ये टाउन को। वी आर इन पासीघाट बट दिस व्यू इट्स लाइक आई एम इन गोवा, गोवा बीच। क्या करेगा? What is this? Pork. Pork. सुखा दिया है। हाँ हाँ। पहले का पोर्क को बॉयल करके पासीघाट में आके मेरा 24 घंटा भी नहीं हुआ है लेकिन ऑलरेडी मुझे खिलाना स्टार्ट हो गया और मेरा पेट फूलना भी स्टार्ट हो गया। मैं एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा पेट पूजा अभी से स्टार्ट हो गया है फ्रॉम तायंग मैम्स हाउस इटसेल्फ। हर मॉम इज cooking and feeding us. Apu Jun to kuch bhi nahi khaya hai. Aunty is here. Aunty. Mummy hai na. Hi. Ha. Mummy hai. Mummy. Eh, chalo kisi de do yaar. Ha jo to no no. Hey, ye meat ko leke. So after dinner, hum evening walk pe nahi nikalte hain. Hum nikalte hain night drive mein. So we are at Rana Ghat. Bridge, also called as Siang Bridge. We are all set now. We are leaving Pasighat. मैम अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जाएंगे आयंग बस्ती। मेरा बहन के लिए मैंने इन्वर्टर लिया EMI में, उपाय ने प्यार लगते हैं बस्ती वाला बहन के लिए एक्चुअली मेरा इन्वर्टर मांग रहा था तो अगर मेरा देरी का तो हो गया छुट्टी, इसलिए EMI से ले दे रहा है बहन को। आज इस बहाने मेरा बहना को भी देख लेना आप लोग। यस, उसके बाद में हम लोग जा रहे हैं नोनों के दादाजी के बस्ती। मेरा ससुराल, मेरा सोकल ससुराल। हो गया, गुड।
हैंडीमैन हैंडीमैन हमारा पहला स्टॉप जहाँ पे हम लोग आए हैं इन्वर्टर ड्रॉप करने के लिए. वेलकम टू आयन विलेज. वेलकम टू आयन विलेज. खाना भी नहीं खाया है लग रहा है. आप चुम सीखा चलो चल आप चुम सीखा. 1 2 3 हाय. तो यहाँ पे हम लोग ओजो के साथ बात कर रहे हैं. यहाँ पे ग्रैनी का साथ में शी इज 80+ एंड मैं उनकी हथेलियाँ देख रही थी उंगलियाँ देख रही थी दैट शी हैज़ वर्क सो हार्ड इन हर लाइफ एंड दिस इज आर लाइक स्ट्रॉन्ग हैंड. वही मेरे को बड़ा फैसिनेट लगा. स्ट्रॉन्ग ताकत. शी इज द ग्रैंड डॉटर एंड शी इज ट्रांसलेटिंग क्योंकि हमारा थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है. तो दादी बोल रही है मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए. ये है यहाँ का आदि बैग नोन एज पालो. हेलो. सो ये बना है प्लांट से. मुझे लगा जानवर का कुछ खा ले बट दिस इज एक्चुअली प्लांट बार्क. बार्क ना प्लांट. यहाँ पे धान या चावल बुकता है एंड दिस मासी वाज सो स्वीट. वो निकाल के मुझे दिखा रही है एक्चुअली उनके ऊपर से. यहाँ पे ऐसे ऊपर में ये सब स्टोर करके रखा है ये सब्जी रखने के लिए ना. वो नहीं है बास्केट नहीं है ना ये तो टेबल है. अच्छा यहाँ पे ऐसे यूज होता है. इसके ऊपर में ये आपका छोटा सा. आप नीचे फ्लोर में बैठो और उसका ऊपर में आप लोग इसका ऊपर में खाना प्लेट पत्ता जो भी रख के आप लोग खा सकता है. दिस इज अ लोकल फ्रिज बट वो इसलिए ऐसे बोल रही है क्योंकि यहाँ पे स्टोर होता है खाना. इट इज नॉट फॉर मीट मछली जो भी. वहां से चूहा भी नहीं आ सकता. प्रोटेक्शन डाला हुआ ऊपर से. इट इज हंग लाइक दैट. फिशिंग नेट नहीं है यहाँ पे. इन लोग ओरंग बोलते हैं. ओरंग. ओह ये तो नहीं बाबा गुलूम जहाँ मछली खाना सब. ओह दिस इज द किचन एरिया. अगेन ऊपर में सब कुछ स्टोर हो रहा है. यू कैन स्टोर लॉट ऑफ थिंग्स मोस्टली किचन स्टफ फूड आइटम बर्तन ना. एंड दिस इज देयर टोंग द चिमटा बैम्बू से बनता है. आप ना बर्तन भी साफा करेगा ना तो पानी डायरेक्ट नीचे जाने वाला है. बेसिन का जरूरत ही नहीं है ना. हाँ तो अच्छा पे ये है कैलेटिया पत्ता. और अभी मेरे नेक्स्ट वीडियोस में आप ये पत्ता बहुत देखेगा क्योंकि ये यूज़ होता है खाना रैपिंग के लिए. यहाँ पे प्लास्टिक पेपर ये सब यूज़ नहीं होगा. इनका मुर्गी घर है. अच्छा से इन्होंने बनाया है ये पत्ता. वो हाँ पे है. इन्होंने पूरा पीछे में इनका जो क्या बोलो बैकयार्ड है तो इनके बैकयार्ड में इनको ये पत्ता है विच दे यूज फॉर रूफिंग ऑन देयर घर के ऊपर में. तो अभी मुझे ये पता चला है कि दीज लीव्स दीज आर फ्रॉम द जोरेसिक टाइम विच मीन्स इनका ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया. दे हैव बिन सर्वाइविंग फ्रॉम दैट टाइम. रूफिंग ऑन टॉप ऐसे ड्राई हो जाता है. तो मुझे इनका बैकयार्ड बहुत बहुत अच्छा लगा. इट्स सो नाइस एंड काम. रॉक्स एक्चुअली अर्थक्वेक के टाइम में पहाड़ों से ट्रम्बल होके नीचे आया है. सो दे आर यूजिंग दिस एज द कंपाउंड वॉल क्योंकि नेचुरली ये पत्थर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता बट ड्यू टू अर्थक्वेक सब रोल होके नीचे आया है. अभी हम वापस जाएंगे ऊपर में एंटर भी करेंगे. सो इट्स लाइक दिस इनसाइड. They have rooms over here. Carpet, but it is local, naturally made. मैं ये कौन सा वाला किससे बता बेत से बना है. शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है. शी इज सो नाइस. शी इज एक्चुअली शोइंग मी किस चीज़ से बनता है. सो दिस इज मेड फ्रॉम दिस ट्री का गिट क्या बोलो ब्रांच ही बोलूँगी ना. हाँ ये ट्री के ब्रांच से जो इनको जंगल में मिलता है. तो और इनका फ्लोरिंग देखिए. आई लव दिस काइंड ऑफ फ्लोरिंग. दीज आर ऑल बैम्बू फ्लोरिंग. बेस्ट पार्ट इज इसमें ज़्यादा झाड़ू मारने का जरूरत नहीं है. झाड़ू मारो गंदा डायरेक्ट नीचे चला जाता है. व्यू इज सो नाइस. देखो ना एंट्रेंस दे हैव दिस मिथुन हेड्स. सो द नंबर ऑफ मिथुन्स ओवर हियर रिजेंबल्स जितने मिथुन ये फैमिली ने मारे हैं. एंड ये सब रस्सी है जो इनका लाइफ मिथुन को पकड़ने के लिए बांधने के लिए. ये सारे हैं
पिग का दांत, लाइक सुअर दांत, जो भी ये घर में काटे गए हैं फ्रॉम सो मेनी इयर्स, सो दे हैव डेकोरेटेड इट ओवर हियर एंड केप्ट इट. ये तो हिरन का सिर लोग है. तो हर घरों में आपको ऐसा एंटिक्स मिलेगा. नंबर्स माइट डिफर. मालिक ये घर का ना, हम इनके घर में आए हैं. मैम का दामाद, हाँ दामाद. और तो इन्होंने अपने हाथों से ये घर बनाया है. एंड इट इज़ वेरी कॉमन बस्ती में कि परिवार वाले खुद हेल्प करते हैं, अपने हाथों से घर ये सब बनाते हैं. हम लोग बाहर से लेबर, मिस्त्री, वो सब वो नहीं होता है. एवरीवन हेल्प्स ईच अदर. तो सर आपको कितना टाइम हो गया ये घर में बैठे, कितना साल हो गया ये घर पुराना? ये अभी 21 इयर्स हो गया. 21 इयर्स, वाह. तो अभी ये घर का पूरा मैंने चप्पा चप्पा ट्राई किया अंदर अंदर घुस के सब कुछ देखने के लिए. एंड दे शोड मी एंड वी आर लीविंग नाउ. एंड ग्रैनी इज सिटिंग हियर. ग्रैनी बात करती है आदि में, मैं बात करती हूँ हिंदी में. हम दोनों को कुछ समझ में नहीं आता, बट इट डजंट मैटर, है ना? बाय बाय. Finally reached Nopok Basti and the kids full excited. So this is Nopok Basti. We are going to stay here tonight. लोग 4 बजे बस्ती पहुंच चुके हैं. थोड़ा सा बस्ती का चक्कर मारने वाले हैं. मुझे लगा छोटा बस्ती है, अपना पैर में वॉकिंग करके दोनों घूम लेंगे. बट नो, इट्स अ बिग विलेज. ईस्ट सियांग का सबसे लार्जेस्ट विलेज. एंड मैम ने मेरे को और एक इंटरेस्टिंग चीज बताया है. एवरी प्लेस का जब नाम रखा जाता है, इट इज कनेक्टेड विद द प्लेस और एटमोसफियर ओवर हियर देयर. तो ये जो बस्ती है नोपोक इसलिए रखा है, यहाँ का जो विलेज का जो नदी है उसमें बहुत सारा मछली है ना, बहुत सारा मछली है. तो मछली को हम लोग आदि से बोलते हैं एंगो. तो एंगो के एंगो का नोपोक सही. तो ये है यहाँ ये बस्ती की गलियाँ. इतना बढ़िया लग रहा है ना ये सब देख देख के. वॉक करके विलेज टूर करेंगे. मैम देखा खुद को सुंदर लग रहा है. सुंदर है तो लगेगा सुंदर. मेरा हुलिया थोड़ा खराब हो रहा है क्योंकि हम लोग थोड़ा दोपहर से घूम रहे हैं इधर उधर, वीडियो बना रहे हैं. रुको ना, इतना बबली देखा है विलेज में. देखो इतना सारा लकड़ी है ना. हाँ, जितना ज्यादा लकड़ी होगा वो रिच मानता है हम लोग बस्ती में, और मेहनती हार्ड वर्किंग मानता है. और ये ऑथेंटिक वाला विलेज ये आदिगर ये है. ऑथेंटिक आदि घर क्यों बोलने से, वो तासे है ना, ऊपर का तासे है, देख रहा है तासे बना है. और जो ये वाल है ना, वो बड़ा बड़ा जो वाल देख रहा है, ये थोड़ा नया है. हाँ, ये बड़ा बड़ा जो वाल देख रहा है टकटक का, ये क्या है? ये सदियों से यूज करके आया है. मतलब इसको क्या करेगा, उसको देते जाएगा अपना बेटा 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 को देते जाएगा. हेयरलूम जैसे ना, मतलब अपना पास हो रहा है. हाँ हाँ हाँ, मतलब क्या बोले, ये भी एक इनहेरिटेंस टाइप का हो गया उसके. बस्ती के जो घर है फैमिली घर सब वहाँ पे, बट दे आर स्टोरिंग ऑल देयर राशन, देयर ग्रेन्स ओवर हियर. दीज आर ऑल द स्टोरेज एरिया. क्योंकि अगर वहाँ कहीं आग लग जाए, नथिंग शुड हैपन टू द ग्रेन्स. सो दिस इज द प्लेस जहाँ पे इनका राशन, धान, राइस सब स्टोर होता है. ग्रेन्स यस. सुनो, यहाँ पे जो है चूहा प्रोटेक्शन ना, आपका कोई भी चूहा यहाँ से नहीं आ पाता है. ये चूहा प्रोटेक्शन है, ये जो ना चूहा कोई भी एनिमल से ऐसे घुस ही नहीं पाएगा ऊपर में. और मेन है यहाँ जो देख रहा है पत्थर रखा है, पत्थर का ऊपर बनाया है. ये जो लॉक से वो जमीन को टच नहीं है. ये क्या है, आर्ट को एक प्रोटेक्शन. आप जितना आर्ट को एक हिल के जमीन भी फट जाएगा, लेकिन ये घर नहीं टूटेगा. यस, द हैंगिंग ब्रिज, द नोपोक ब्रिज. नदी जरूर. बस्ती इज सो सो ब्यूटिफुल. हाँ, मज़ेदार. अगर मेरा घर यहाँ पे रहता तो मैं तो आधे से ज़्यादा टाइम ऐसे पानी में पड़े रहती. पानी का मज़ा लेते हुए टाइम. खाना यहाँ पक गया है. जो लैडल है वो चम्मच वुड लकड़ी का बना हुआ है. ये वाला बेम्बू, सो दैट इज बेम्बू. एंड कैलेटिया पता में पत्ता ही नाली रख रहे हैं. नो यस. एंड जो मैंने आगे दिखाया था आपको दोरा बोलते हैं, दोरा पर्सनल डाइनिंग टेबल. बेम्बू शूट
ऑर्गेनिक बेम्बो फ्रॉम बगान ओजोस बगान ओजोस, जिसको भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है ना, हाँ हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा होता है बेम्बो. इज 31st August, वी स्पेंड द नाइट इन नोपोक बस्ती. अपुचुंग इज स्टिल स्लीपिंग इनसाइड. ये है यहाँ का पूरा ऑर्गेनिक सब्जी जो यहाँ का ओजो और बाबू के घर का है. यहाँ पे अंदर में भी है सब सब्जी, इनके फार्म का है. हमारा हीरो नोनोंग यहाँ सो रहा है. यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट कुकिंग होगा. देर इज अ स्टफ बट वी आर गोइंग टू यूज दिस क्योंकि इसमें खाना ज़्यादा टेस्टियर बनता है. यहाँ का लोकल राइस, लोकल राइस यहीं पे प्रोडक्शन हुआ है. And it's very, very good. It is kind of like sticky rice. Yes. So we are going to cook rice. Dalo, 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 dalo. In Adi, it is known as panyo. Panyo. Yes. Very good. Good. So, har ghar ke saamne mein, they have built a setup like this. Do stick laga ke. And yahan pe sacrifice hoga. The animal. Over there, selecting... The neighbors, जो आस पड़ोस के पड़ोसी होते हैं, the gents, they come to help. हमने रात यहाँ गुजारा था, we slept over here because it was so hot. अब the gents, उन्होंने select कर लिया है and they are all getting the pig here. इसमें मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, आराम से उसको वहाँ से guide करके इन्होंने यहाँ तक लेके आया है, बुला बुला के. And it has to come till here. I asked them कि ये पूरे मीट से क्या होने वाले, are they just going to cook it पूरा, but no. After the sacrifice, they are gonna portion it. And यहाँ पर जो भी बस्ती है, इनका relatives है, जो भी आएगा for the festival, वो उनको भेंट देंगे like a gift. And even दूसरे घरों में ऐसा सेक्रीफाइस होता है. किसी किसी घर में ऑलरेडी हो गया है, किसी किसी घर में आज होगा. तो फिर वहाँ पे भी जब फिर इनके फैमिली को भी थोड़ा थोड़ा मीट मिलेगा. सो ऐसे करके हर घर में, हर बस्ती में जो भी आसपास है, द मीट विल बी गिवन हियर एंड देयर. जो आपने वीडियो में एक दादाजी को देखा जिनको बोलते हैं बाबू यहाँ पे, तो वो अभी सुबह सुबह ही इज़ गोइंग टू एवरी हाउस, हर घर में जा रहे हैं विद द बास्केट एंड हर घर से एक एक बाउल या फिर टेमा राइस ही इज़ कलेक्टिंग. उसके बाद में ही इज़ गोना गो टू द कम्युनिटी हॉल, जो इस बस्ती का कम्युनिटी हॉल है वहाँ पर जाएंगे. ही इज़ गोना, दे आर गोना कुक इट. एंड उसके बाद में जो बनाना का स्टेम होता है उसको स्लाइस करेंगे, कूल डाउन करेंगे एंड दोपहर में या शाम को हर घर में आके वो फेंका जाएगा एक एक. सो इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग. द राइस जो हर घर से जा रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द हाउस होल्ड. तो ये कितना केजी का था? मालूम नहीं रे, इतनी पार हो गया कितना? 80 पार. ओके, इट वाज मोर देन 80 केजी. सो अब नाउ दे आर बर्निंग ऑल द हेयर. फॉलोइंग दिस यूट्यूब चैनल बेस्ट फूड रिव्यू विच इज़ होस्टेड बाय सनी एंड आई थिंक फ्रॉम पास्ट सो मेनी इयर्स इज माय रोल मॉडल द वे ही व्लॉग्स एंड उसके चैनल में ही शोज अबाउट डिफरेंट प्लेसेस, वहाँ का फूड प्रिपरेशन एंड द पीपल एंड द कम्युनिटी लिविंग देयर. एंड इट इज़ जस्ट नॉट सम रैंडम प्लेसेस, ही डज सो मच रिसर्च एंड ही स्पीक्स अबाउट द प्लेस. सो इट इज़ माई ड्रीम, इट इज़ इन माई बकेट लिस्ट की मे बी वन डे आई गेट टू मीट हिम और मेक अ वीडियो विथ हिम. इट्स सो गुड. आई थिंक वो वीडियोज़ देख देख के मेरे को थोड़ा इंस्परेशन आता है कि यू नो सिर्फ खाओ एंड खुश रहो उतना ही नहीं है, बट द प्लेस वेर यू आर गेटिंग द फूड कैसे इम्पैक्ट करता है उस कम्यूनिटी को, लिविंग स्टाइल
एंड व्हाट आर द किसी किसी जगह में सम फूड इज़ अवेलेबल एंड इट्स वेरी कॉमन एंड किसी किसी जगह में इट माइट बी समथिंग न्यू. कभी कभी किसी लोगों को घिन भी लग सकता है कुछ कुछ खान पान से, बट कभी घिन नहीं करना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द कम्युनिटी क्योंकि वो सदियों से खाते आ रहे हैं. कुछ ना कुछ उनका कारण होता होगा, रिचुअल्स होते होंगे. सो वी नीड टू रेस्पेक्ट ऑल दैट थिंग्स ऑल्सो. सो इन दैट चैनल बेस्ट फूड रिव्यू, सनी डस द जस्टिस. द लिवर एंड अदर गिजर्ड्स इसको अच्छे से बॉयल करेंगे. द इंटेस्टाइन्स विल बी यूज फॉर सम अदर प्रिपरेशन. मैं यांकी मैम इज़ गोना डू माई फेशियल. कभी कभी इवन आई फील लाइक बींग ऑल प्रिटी. So I want to look pretty for tomorrow. Is sharpening the dao. Babu, आप लोग का भाषा में आप लोग दाव को क्या बोलते हैं आदि में? आयोक. आयोक. Now they're scraping the skin. It is not cooked. This. Fat, meat और ये अंदर का liver, intestine and fats. ये भी cook होगा ना यहाँ पे? अलग टाइप का. लंच टाइम. बॉयल बैम्बू शूट. ये पोर्क डिश, थोड़ा चर्बी. ये था ब्लड लिवर मिला के बनाया था ये सब्जी. अगेन पोर्क, सम आलू, राइस, मिर्ची एंड नमक. सो आई हैव डिसाइडेड अब से मैं चावल नहीं खाएगा, ओनली सब्जी एंड ओनली सब्जी खाने वाला और नॉनवेज खाने वाला है क्योंकि राइस इज जस्ट वेस्टिंग स्पेस इन माई स्टमक. मीट सब यहाँ पे है, सिर यहाँ पे है, यहाँ पे जो फैट्स है, दीज आर ऑल बींग बॉइल्ड ओवर हियर. बहुत खतरनाक गर्मी. एंड यहाँ पे मीट रोस्टिंग होगा. वहाँ जो बॉइल्ड हुआ था उसको भी ला के यहाँ पे ड्राई कर रहे हैं. पानी पूरी टाइम. पानी तो है नहीं, ये तो अलग का पोर्क का लिवर, आलू सब्जी और यहाँ पे फ्राइड पोर्क. वी ऑल रेडी सेट टू गो नहाने के लिए. सब बाहर में बच्चा पार्टी लोग गर्मी में. वी आर ऑलमोस्ट अटेंडेंस. अटेंडेंस दो तो कितने जने? 11. हम लोग का पल्टन इज ऑल रेडी एंड ड्राइवर इज रेडी. हम अटेंडेंस अभी इसलिए ले रहे हैं कि बाद में हम लोग को किसी को भूल के ना आ जाए. आवर प्लेस, हम यहाँ पे नहाने वाले हैं. फाइनली पूरा सूख गया है. वी आर हमको यहाँ पे बाबूजी ने बोला है, बाबूजी जिन्होंने सुबह ये पूरा किया है. ही हैज आस्क्ड अस टू टेक सम मीट घर के लिए. जितना लेना है लो बोले, जितना रहे से लेगा. बट यस यस वी वोंट, हम जितना थोड़ा से लेगा. ये नोक का पिक. थैंक मैम विल बी पैकिंग इट इन द कलेटिया. कलेटिया कलेटिया लीफ बोला रो असिस्टेंट. यस दिस इज गोइंग टू गो विद मी. बाय बाय. जा रहे हैं, वी आर लीविंग. ओके ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब. हम वेट कर रहे हैं. सो वी आर जस्ट लीविंग नपोक बस्ती एंड हेडिंग बैक टू पासीघाट. एंड कल वी हैव फ्यू इनवाइट्स. जस्ट टू एक्साइटेड. टुमारो वी आर गोना ड्रेस अप बन ठन के. आज फेशियल भी कर लिया था पूरा मैम ने मेरा करके दिया था, बट उसके बाद में स्टिल आई वेंट धूप में नदी में जाके नहाया. सो इट इज नो यूज. फिर से जाके नहाना.